हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि लिंटल के ऊपर है। ये टोटल 8 डेज का वर्क है जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर कवर किया है। तो आप लास्ट तक देखें ये वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा कि लिंटल किसे कहते हैं और लिंटल कहाँ डाला जाता है और लिंटल के एडवांटेजेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। ये देखिए आप, ये लिंटल की स्कैफोल्डिंग यानी कि लकड़ी बिठाया जा रहा है। ये 9 इंच के दीवार को 9 इंच का लिंटल बनाया जाता है और 4 इंच के दीवार को 4 इंच का लिंटल बनाया जाता है। ये देखिए स्टिरअप्स बनाया जा रहा है लिंटल के। ये मिनिमम विड्थ जो है लिंटल का आपको 80 to 100 mm रखना है क्योंकि 3 से 4 इंच का होता है। पर नॉर्मली कैसा करते हैं, इसको 6 इंच का लिंटल डाला जाता है ताकि अच्छा सा लिंटल इसमें आ सके। और इसको लिंटल को और एक नाम भी कहते हैं कि छोटा बीम। ये जो है छोटे पूरा बीम की तरह आपके दीवार को सपोर्ट लेता है। ये देखिए आप, इसका रॉड का मेजरमेंट किया जा रहा है कि कितने रॉड एक दीवार में कितने साइज़ का रॉड कट किया जाएगा। टोटल हमारे पास 40 फीट का लेंथ होता है, उसमें से दीवार में कितना फिट आएगा उतने फिट पे कट किया जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ बार्स, इसमें 12 mm के बार्स यूज़ किया गया है। 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्टेप्स 6 mm के लिया गया है। ये लिंटल कहाँ डाला जाता है, जो भी आप 7 फिट के बाद 7 फिट के बाद में जो आपका ब्रिक वर्क हो या लैटरल स्टोन का वर्क, कभी भी आपके वॉल का काम हो जाएगा उसके ऊपर लिंटल आएगा। हर जगह में पूरा फुल, कहाँ का आपकी पार्टीशन है, मेन वॉल है, बाथरूम का वॉल किधर है, किचन का वॉल किधर है, पूरा आपको लिंटल आ जाएगा वहाँ पे। ये लिंटल जो है विंडो के ऊपर डाला जाता है। विंडो हम 7 फीट तक लेते हैं और हमारा जो है डोर्स वगैरह जो होते हैं ना, उसके ऊपर लिंटल लिया जाता है ताकि चौखट हुआ आसानी से बैठ सके और एलुमिनियम का फ्रेम विंडो में अच्छे से बैठ सके। ये लिंटल लेने का एक एडवांटेज है, ये है कि ये जो है ना पूरा आपको जो 7 फीट के बाद में जो 3 फीट के जो आपकी वॉल आती है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करके ये कॉलम को पहुंचाता है, इसलिए इसको छोटा बीम भी कहा जाता है। ये देखिए आप, इसमें बार्स कट किया जा रहा है, टोटल 4 नंबर ऑफ बार्स है इसमें। और इसमें स्टील श्रीओम की लिया गया है, ये पूरा साइज लेके कट कर रहे हैं। ये देखिए स्टील ऑफ लगा रहे हैं। तो जब कभी भी आप लिंटल का वर्क कराएं तो इसी तरह से आप अपना काम करवाएं। ये देखिए आप लिंटल के साथ ही स्टेयरकेस अप टू 7 फीट में जितने आपके स्टेप्स जाते हैं, लैंडिंग आती है वहाँ तक आपको स्टेप्स भी बना लेना पड़ेगा। ये देखिए आप, स्टेप्स का काम चल रहा है यहाँ पे। ये स्टेप्स में जो है 12 mm के रॉड लिया गया है और इसका राइज जो है 6.5 इंच है और थ्रेड जो है 11 इंचेस है, जो कि नॉर्मली सफिशियंट है स्टेयरकेस को आसानी से आप उसमें उतर सकेंगे और चढ़ सकेंगे। देखिए इसकी स्कैफोल्डिंग किया जा रहा है, शटरिंग लगाया जा रहा है। इसमें ऑलमोस्ट लिंटल का वर्क हमारा हो चुका है और इसमें सिर्फ रॉड रख के दूसरे दिन इसको पूरा मटेरियल डाला जाएगा। ये देखिए शेल्फ का काम भी हो चुका है। किचन में हमने शेल्फ लिया गया है क्योंकि इसमें सामान वो है आप किचन के ऊपर रख ले सकते हैं। और एक रूम में भी जो है सो शेल्फ लिया गया है, छज्जा लिया गया है सॉरी। ये देखिए आप लिंटल के टोटल 4 नंबर ऑफ बार्स है और इसमें छज्जे में जो है सो 10 और 8 mm के बार्स, 10 मेन बार्स लिया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm के लिया गया है। तो लिंटल लेने के बहुत ही एडवांटेजेस हैं। ये आपके दीवार को और कॉलम को अच्छे से पकड़ के रखता है। ये देखिए आप, इसको कली कह रहे हैं, कली लगा रहे हैं। इसके बाद में फिर इसको ये जो टोटल इसका जो विड्थ है 3.5 फिट है स्टेयरकेस का, 6 इंच सेंटर टू सेंटर लेके 12 mm के रॉड रख के इसमें पूरा स्टील का स्ट्रक्चर किया गया है। ये देखिए पूरा मेटना रख के चेक किया जा रहा है तो कि ये लेवल में है या नहीं। एक 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 लकड़ी को मारा जा रहा है 11 इंच पे रख के, फिर इसके बाद में मेटरा लेके चेक कर रहे हैं ताकि इसमें पूरा आपका काम एक्यूरेट हो जाए, कुछ इसमें दिक्कत ना आए, इस प्रॉब्लम ना आए।
और लिंटल को जो है ये 4 इंच के दीवार को अलग होता है और 9 इंच के दीवार को अलग होता है। 4 इंच के दीवार को 4 इंच का लिंटल डाला जाता है जो कि ईंट के बराबर होता है और 9 इंच के दीवार को 9 इंच का लिंटल डाला जाता है। तो ये आप जब कभी भी आप अपना स्टेयरकेस का भी ये कराएं तो आपने टोटल आपका लेंथ कितना है वो देख के मेजरमेंट लेके ही प्लानिंग में पहले से ही छोड़ें, वरना सही सेट नहीं होगा स्टेयरकेस आपका तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखिए इसको सपोर्ट के लिए पूरा साइड लगाया जा रहा है ताकि इसमें से मटेरियल कॉन्क्रीटिंग बाहर ना आए। ये देखिए इसमें कॉन्क्रीटिंग का वर्क हमें अगले दिन चल रहा था, हमने इसमें शूट करके डाला है। तो देखिए इसमें सीमेंट जो है भारतीय सीमेंट यूज़ किया गया है। ये पूरा साइड रख के अब इसमें माल डाला जा रहा है। ये देखिए फिनिशिंग कैसा कर रहा है मिस्त्री। इसी तरीके से आप फिनिशिंग करने लगाएं अपने छज्जों में और लिंटल में। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। हम ऐसे ही आपके सामने नए नए वीडियोस लेके आते हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए आप लिंटल का जो रॉड है कॉलम के अंदर रॉड में रख के फुल सपोर्ट देके इसमें कॉन्क्रीटिंग की गई है। और ये माल डालने से पहले भी स्कैफोल्डिंग एक बार चेक कर लें कि नीचे के बम्बू है सब वगैरह सब सही है या नहीं। पूरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। जो बोसा रहा था ना बोसा लेके मिस्त्री पूरा जो है इसको छज्जे को लेवल कर रहा है तो उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं और फिनिशिंग में लेके आ रहे हैं इसको। स्टेयरकेस में डाल रहा है, टोचन कर रहा है मिस्त्री। एक टोचन करने से बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीटिंग हमारा सेट होता है, इसलिए यहाँ पे टोचन किया जा रहा है पूरे में। ये पूरा लिंटल में और अपना छज्जे में सब में टोचन किया गया है एक बम्बू लेके, जिस किसी के पास भी वाइब्रेटर नहीं होता वो एक बम्बू लेके टोचन कर सकते हैं सर। तो इसमें कॉन्क्रीटिंग आपका अच्छा बढ़ जाएगा। आती है एट द एंड आपको काम खत्म हो गया।